हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस अभी हम कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 4 में आए हैं। अभी हम स्टूडेंट से जानेंगे इनका रिव्यू कैसा रहा। इनका एक साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इनसे पूछेंगे इनका हॉस्टल का रिव्यू कैसा रहा, मेस कैसा रहा, और इनका एजुकेशन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैसा रहा। सो गाइस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम शाह मोक्स है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ब्रदर आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या दी गई है हॉस्टल में? यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम है, फिर रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया गया है हॉस्टल से, माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रिक केटल है, कबर्ड्स है, फिर सेल्फ दिए गए हैं, टेबल चेयर सब कुछ। जो आपके जो बेड्स हैं वो आप खुद खरीद के लेके आए हो या फिर? नहीं 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 नहीं, यूनिवर्सिटी से ही प्रोवाइड किया गया। और आप मेस की फैसिलिटी के बारे में बताओ, आप खाना कैसे बनाते हो? यहाँ पे मेस अवेलेबल है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों की फैसिलिटी है, और मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती खाने में, और बहुत सही खाना बनाता है। और मेरे को ये बताओ, बहुत बच्चों के और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंसर्न होते हैं कि ये साइबेरियन रीजन में पड़ती है, यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो ऑब्वियस यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो आपके जो रूम्स है वो भी ठंडे रहते हैं क्या, है उसके बारे में? नहीं सर, बाहर ठंड पड़ती है पर यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है और यहाँ पे कोई भी ठंडी वंडी नहीं लगती। आप देख सकते हो मैं टी शर्ट में हूँ और कोई ठंडी, ऐसे ही घूमते हो मतलब? हाँ ऐसे ही घूमते। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यूनिवर्सिटी के साथ, सपोर्टिव है या नहीं? हाँ, ये यूनिवर्सिटी बहुत सपोर्टिव है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सपोर्टिव है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेटर और कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कुछ भी वहाँ पे जाके पूछ सकते हो और कभी भी कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी बात सुनी जाती है या नहीं? नहीं सर, वो सब सारी बातें सुनते हैं, जो भी डाउट होता है सब कुछ क्लियर करते हैं। और आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओ, कितना दूर है हॉस्टल से? ज़्यादा दूर? और वहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटी दी जाती है, मतलब वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट कौन क्या क्या कुछ अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पास में ही है, जस्ट थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, वहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल और स्विमिंग पूल सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो फ्री है? यूनिवर्सिटी की तरफ से सारा सब कुछ फ्री है। और कंक्लूजन क्या देना चाहते हो कि बच्चे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं, और आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्टर हाउस ने क्या रोल प्ले किया? ये यूनिवर्सिटी आपको जरूर से चूज़ करनी चाहिए और डॉक्टर हाउस ओवरसीज की तरफ से ही आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है, कभी भी कोई दिक्कत होती है आप कभी भी फ़ोन करते हो तुरंत उठा लेते हो, और कोई भी दिक्कत हो आसानी से। थैंक यू सो मच।